The Dawn Express. Aina Sashka. नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा आप सभी का यहाँ स्वागत करती हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने हम सबको चिंता में डाल दिया है। अगर हम बात करें उस इंटरव्यू की जो दिया है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सिद्धार्थी ने, तो उनका कहना है कि इस लॉकडाउन के दौरान बच्चों को खासा नुकसान हुआ है। जी हाँ, बाल श्रम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि बच्चों पे होने वाले अत्याचार भी बढ़ेंगे। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। उन्होंने ये भी कहा है कि विमेन हेल्पलाइन और बच्चों की हेल्पलाइन जो सरकार ने चलाई है इस लॉकडाउन के दौरान, उस पर लाखों कॉल्स सरकार को मिले हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिंताजनक बात है और हम सबको इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके आसपास भी कोई बच्चा ऐसा है जिसको आपको लगता है कि ये बाल श्रम में जा सकता है, तो प्लीज़ हेल्पलाइन पे ज़रूर संपर्क करें। साथ ही उन्होंने इसके सुझाव में ये कहा है कि जल्द ही स्कूल खुलने चाहिए ताकि बच्चे व्यस्त हो सकें, माँ बाप भी उन पर अच्छे से ध्यान दे सकें और लॉकडाउन की वजह से जो भी नुकसान हुआ है उसकी खासतौर पर बच्चों के लिए भरपाई हो सके। बच्चों की जहाँ तक बात है तो एक और बात आपके साथ साझा करना चाहते हैं हम यहाँ डॉन एक्सप्रेस में, और वो ये है कि यूनिसेफ ने आयुष्मान खुराना, जी हाँ, बॉलीवुड के नामी ग्रामी एक्टर आयुष्मान खुराना को सेलिब्रिटी एडवोकेट के पद से नियुक्त किया है। इसमें उनका काम होगा कि देश के हर बच्चे को सुरक्षा प्रदान कर सके, जहाँ भी बाल श्रम होता दिखे उसे रोक सके। आयुष्मान खुराना ने अपने हाल ही में दिए इंटरव्यू में ये कहा कि वो इस पद को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और बहुत खुश भी हैं और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने यूनिसेफ को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के उन्हें लायक समझा, ये उनके लिए बहुत ही सम्मानजनक बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो अब इस पद पर नियुक्त होने के बाद ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बच्चा उनसे अनछुआ न रहे। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनका बचपन बहुत ही सुरक्षित और अच्छे माहौल में बीता है, इसी तरह उनकी कोशिश रहेगी कि हर बच्चे को वो खुशनुमा और सुरक्षित माहौल प्रदान करा सके। एक और खास तौर पर जानकारी यहाँ डॉन एक्सप्रेस में आपको देना चाहते हैं कि लॉरियट्स एंड लीडर्स फेयर शेयर फॉर चिल्ड्रेन नाम का समिट आजकल इन दिनों आयोजित किया गया है। जी हाँ, और इस समिट में कई नामी ग्रामी नाम और नेता शामिल हैं जिनका चर्चा का विषय है कि किस तरह से वैश्विक रूप से जो बच्चों पर बाल श्रम का खतरा मंडरा रहा है उससे कैसे लड़ा जाए। इसकी मदद के लिए अमेरिका से भी गुहार लगाई गई है और हर कोई इस चिंता में डूबा हुआ है कि किस तरीके से कोविड-19 के चलते अब बच्चों पर जो खतरा मंडरा रहा है उसको कैसे खत्म किया जाए, उससे कैसे लड़ा जाए। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी बैठक में भारत समेत कई ऐसे देशों को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि अपने अपने देश के बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि कई ऐसे देश विदेश में संगठन चल रहे हैं जो आतंकवादी चलाते हैं और वो बच्चों के जो भी अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, उनका हनन करते हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों को जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि ये हर देश की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने देश के बच्चों का जो आने वाले भविष्य है उनका ख्याल रखे और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखे। हमने आपको बताया कि किस तरह संयुक्त राष्ट्र ने विश्व भर के सभी देशों को बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है, वहीं भारत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि भारत अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और करता रहेगा। साथ ही अन्य देशों को भारत ने ये भी कहा है कि जिस भी देश में आतंकवाद फल रहा है वहाँ पर बच्चों को खासतौर पर खतरा है। और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस बात की अवहेलना की है कि कई राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पर आतंकवाद बहुत दिनों से, बहुत सालों से फलफूल रहा है और उसके लिए कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गई है। एक और जानकारी आपको देना चाहते हैं कि आर्य समाज प्रचारक अग्निवेश जी का कल शुक्रवार को दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया और उनके निधन पर कई ऐसे देश विदेश के नेता हैं जिन्होंने शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस ने अब सवाल उठाया है नरेंद्र मोदी जी पर।
जी हाँ, जब से सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे ट्रैक के आसपास लगी हजारों झुग्गी झोपड़ियों को 3 महीने में ध्वस्त करने का फैसला सुनाया है, तभी से कांग्रेस ने याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी जी ने ये वादा किया था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। और साथ ही उन्होंने और भी सवाल उठाए हैं और याचिका दर्ज की है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश में, जहां पर रेलवे ट्रैक पर बनी हजारों झुग्गियों का भविष्य अब संकट में है। ऐसे कई हजार लोग हैं जिनका भविष्य, जिनका परिवार अब संकट में है। सरकार ने उन सभी लोगों के लिए जो ऑनलाइन पेमेंट अपने फ़ोन से करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। गृह मंत्रालय का कहना है कि अगर कोई अननोन लिंक से आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता है तो आपको उसे नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी पेमेंट के लिए ऐप या तो iOS या फिर गूगल प्ले से ही डाउनलोड करनी चाहिए, ताकि आप किसी भी तरह की धोखाधड़ी का शिकार न बन सके। हाल ही में सरकार ने कहा है कि कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऐसी धोखाधड़ी का काम धड़ल्ले से कर रही है। ऐसे में लोगों को ध्यान देना होगा। लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने ये खबर साझा की है, ताकि आपका अकाउंट और आपके पैसे दोनों सुरक्षित रह सकें। जो भी लोग ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं, उनके लिए एक और जानकारी आज आपको यहाँ देना चाहते हैं कि ट्रू कॉलर एक वो फीचर है जो आपको बताता है कि किसकी कॉल आ रही है, लेकिन इसकी छुट्टी जल्द ही हो सकती है, क्योंकि गूगल ने वेरीफाइड कॉल नाम का एक फीचर हाल ही में लॉन्च किया है। जी हाँ, 5 देश समेत गूगल ने इसे जारी भी कर दिया है, चाहे बात हो भारत की, स्पेन, मेक्सिको, US एंड ब्राज़ील की। इन 5 देशों में गूगल ने वेरीफाइड कॉल नाम का ये फीचर जारी कर दिया है। अगर आप ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं तो एक बार गूगल का ये फीचर भी ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। इस्तेमाल के बाद ही हम सब जान पाएंगे कि कौन सा फीचर ज़्यादा बेटर है। क्या ट्रू कॉलर की ही आपको आदत लग गई है और आप वेरीफाइड कॉल नहीं इस्तेमाल करेंगे, या फिर आपको गूगल का वेरीफाइड कॉल ज़्यादा बेहतर लगेगा, ये आप इस्तेमाल करने के बाद ही जान पाएंगे। एक बहुत बड़ी खबर आपको देना चाहते हैं डॉन एक्सप्रेस में, और वो ये है कि राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है, वहाँ से 6 लाख रुपये का गबन करने वाले जालसाज का पर्दाफाश हो गया है। ये जालसाज मुंबई का है। हाल फिलहाल में स्टेट बैंक के प्रबंधक ने बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक से हुए खातों पर रोक लगा दी है। उनका मानना है कि इस जालसाज ने 2 लाख रुपये ही अभी अकाउंट में अपने छोड़े हैं। इन तीनों चेकों को जो उसने लगाए थे, उनको क्रॉस करके अब वेरीफाई करने के लिए भेज दिया गया है। अभी और भी जानकारी मिलनी बाकी है कि आखिर ये आदमी मुंबई का है कौन, लेकिन ये ट्रस्ट से जो इसने पैसा निकाला है, उसका भुगतान उसको करना होगा जब वो पकड़ा जाएगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्य, जिसमें शामिल हैं दिल्ली, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा, इन सभी में आयुष्मान भारत योजना पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इन 4 राज्यों में आयुष्मान भारत योजना से कोई लाभ नहीं हो रहा है। हालांकि ये भी मानना है कि इससे नुकसान ज़्यादा हुआ है। दरअसल 14 अप्रैल 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में ये योजना शुरू की थी, ताकि जो भी गरीबी रेखा से जीने वाले लोग हैं, उनको स्वास्थ्य सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों में रोक लगा दी है। हालांकि 4 राज्यों ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखने की याचिका दायर की है। देखना होगा कि क्या ये 4 राज्य अपनी बात को सामने रख पाएंगे और इनकी बात को कितना माननीय माना जाएगा। एक और खास जानकारी आपसे यहाँ साझा करना चाहते हैं, और वो ये है कि BBHN पब्लिक्स वर्ल्ड वाइड इंडिया के ऑफिसर सुभाष कामत को एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी नियुक्ति है। दरअसल उन्होंने अपने 32 साल के करियर में कई ऐसी कंपनीज हैं जिनको ब्रांड के रूप में उभारा है, और इसी के चलते वोट के आधार पर उनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि न्यूज़ चैनल रिपब्लिक के एक रिपोर्टर और 2 कैमरा पर्सन को पुलिस ने 4 दिन की हिरासत में उनको अपने अंदर ले लिया है। जी हाँ, दरअसल ये सभी उद्धव ठाकरे यानी महाराष्ट्र के CM के फार्म हाउस में बिना
किसी जानकारी के घुसने की कोशिश कर रहे थे और बिना किसी अनुमति के भी। ऐसे में जब गार्ड से उन्होंने रास्ता पूछा तो उसको शक हुआ और उसने गलत रास्ता बताया। जब वो आगे बढ़े तो गार्ड ने अंदर जाके जल्द से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और ऐसे में पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है, लेकिन अभी भी उनको छोड़ने की कोई बात नहीं की गई है। हालांकि अर्नब गोस्वामी ने रिपब्लिक के जो हेड हैं उन्होंने हाईकोर्ट में इसकी अपील की है और जल्द ही उनको छोड़ा जा सकता है। फिलहाल डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा डॉन एक्सप्रेस के साथ और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। से आभार। डेली न्यूज़ डेली हंट। नमस्ते।